हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉमेडिक फूडी। आज मैं आया हूँ एक ऐसी लेजेंडरी जगह पर जो कि लोकेटेड है एक ही जगह पर 30 सालों से। जी हाँ, सही सुना आपने, जो कि लोकेटेड है एक ही जगह पर 30 सालों से। मैं आया हूँ ब्रजमोहन मंगौड़े वालों पर, और यहाँ ये सर्व करते हैं मंगौड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है पूरे आगरा में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उनकी मेकिंग करते हैं, उसका फूड रिव्यू। और सुना है ये मंगौड़े के अलावा और भी आइटम सर्व करते हैं, तो देखते हैं उसका फूड रिव्यू। तो यहाँ है मेरे साथ भाई। हाँ भाई, आपका नाम? दीपू नाम मेरा। ओके, तो अभी आप क्या, ये क्या बना रहे हैं? जी चने बना रहा हूँ, मूंग की दाल की। मूंग की दाल के चने? चंदिया। ओके, ये हींग के पानी की होती है। हींग के पानी की? ये तो ये पानी हींग का है। नहीं, ये पानी उसमें जाएंगे, पानी। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप मंगौड़ा के अलावा और ये सर्व करते हैं, मूंग की दाल की चंदिया? बहुत ही बढ़िया। आपकी जो मेन डिशेज हैं वो दो हैं, मूंग की दाल के मंगौड़े, मूंग की दाल की चंदिया। बहुत बढ़िया। तो मैंने सुना है यहाँ पे 30 साल से आप लोग रहने की जगह जी, और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? शुरुआत किसने की इस काम की? जनरेशन वाइज इसे लीड किया जा रहा है। भाई आप देख सकते हैं, फादर जनरेशन जो है वो इसे लीड कर रही है, और इनके फादर इन फादर ने इसे स्टार्ट किया था, और आज भी बिल्कुल वैसे ही टेस्ट बरकरार है यहाँ पे। तो आज आप हमें क्या ट्राई करने वाले हैं? ओके, तो गाइज हम लोग यहाँ के मंगौड़े ट्राई करते हैं, देखते हैं करके उसका फूड रिव्यू। तो चलिए देखते हैं। आप एक बार व्यूअर्स को एड्रेस और बता दीजिए, अगर यहाँ किसी को आना हो तो लोकेशन क्या रहेगा? सागन, रुई की मंडी, सागन फाटक है। हाँ, 77 नंबर गेट फाटक के जस्ट पास ही आपका ये। जी हाँ, जो पीछे ट्रेन चल रही है। ओके, जो फाटक गाइस आप देख सकते हैं, फाटक के पास ही इनका जो आउटलेट है वो लोकेटेड है, और मैं एड्रेस यहाँ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको आना है तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। जो मंगौड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा देसी स्टाइल में मुझे सर्व किए गए हैं, जो कि एक पत्तों पर जो कि पत्ते पर सर्व किया गया है, और साथ में सर्व किया गया है हरी चटनी। जो चटनी है वो इनकी सिलबट्टे वाली चटनी है, इसे मिक्सी से नहीं पीसा है, इन्होंने हाथ से पीसा है। और जो मंगौड़े हैं वो उन्होंने मुझे बताया 30 साल से लगा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं करता हूँ उसे टेस्ट। मंगौड़ा जो है काफ़ी क्रिस्पी है, चटनी बहुत ही बढ़िया है, एकदम देसी वाला टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं करता हूँ इसे फिनिश, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चाओ।